आप अपने मुन्ना की धड़कने ले जाएंगे तो जिएगा कैसे? मैं जानता हूं कि मैंने नियति को बहुत दर्द दिया है, प्लीज आप हमें अलग मत कीजिए। मैंने नियति को अपनी जिंदगी को खोया है, खोकर वापस पाया है, प्लीज एक मौका दे दीजिए। छोटी माँ, हम जितना भी लड़ लें, आप हमको अलग मत करना। मैंने नियति का गौना इस उम्मीद में किया था कि तुम ठीक हो जाओगे, उसे हर सुख मिलेगा, लेकिन ये सब देखने के बाद मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी बच्ची को यहाँ छोड़कर जाऊं। मैं अपने बच्चे की जिंदगी के साथ और खिलवाड़ नहीं कर सकती। क्या एक माँ होने के नाते मेरा डर सही नहीं है? मम्मी, अभिमन्यु की याददाश्त वापस आना उसके ठीक होने की तरफ एक बड़ा कदम है। प्लीज मम्मी, मुझे अभिमन्यु से दूर मत कीजिए। सुलोचना भाभी, मान जाइए प्लीज। सुलोचना, पहले हालातों ने हमें ना उम्मीद किया था, लेकिन अब फिर से उम्मीद जग गई है। तेरी बेटी इस घर की बहू ने उम्मीद जगाई है, अब उसे वापस मत मांग। मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि तेरी हमारी नियति को किसी चीज की तकलीफ नहीं होने दूंगी। अभी तो दो जिंदगियां शुरू हो रही है, तू इस घर की खुशी मेरे बेटे की खुशी को मत छीन। हाँ जुड़ जू तेरे पैर पड़ती हूँ। नहीं दीदी, माँ। दीदी आप ये क्या कर रही हैं? छोटी माँ, बचपन में गलती करता था तो फट से माफ कर देती थी, आज माफ नहीं करती। सुलोचना भाभी, आपके चेहरे को देख के साफ पता चल रहा है कि आप भी ये चाहती हैं कि आपकी बेटी अपने पति से अलग ना हो, पर शायद राम की वजह से आप ये बात मानने से हिचक रही हैं। नियति, मैंने तुझे अभिमन्यु के साथ तब विदा किया था जब वो होश में नहीं था, पर ये सब देखने के बाद मुझे बहुत डर लग रहा है। तुझे शायद इस बात से फर्क नहीं पड़ता हो, पर तू हमारी इकलौती बेटी है, अगर तुझे कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, ये सोचा है तूने? मम्मी, आपने मुझ पर आई मुसीबतें तो देख ली, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। और अब तो मेरा पति भी मेरे साथ है, तो मुझे कुछ नहीं होगा। मम्मी, आप जानती है मेरी खुशी अभिमन्यु में है। मम्मी सिर्फ आप ही हो और जो पापा को समझा सकती हो। प्लीज मम्मी, मुझे अभिमन्यु से दूर मत कीजिए। छोटी माँ, प्लीज हमें अलग मत कीजिए, प्लीज। ठीक है, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। तुम्हारे पापा से मैं बात करूंगी, पर आप सबको मुझसे एक वादा करना होगा कि आप मेरी बच्ची को हमेशा खुश रखेंगे, उसे कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। छोटी माँ, इनको जितना दूर करने की कोशिश करो उतना ही ये पास आते जा रहे हैं।
आपकी बेटी नहीं थी, मेरी जिंदगी, मेरी खुशी। और इसे खुश रखना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी। तो हम चलते हैं, वो हमारा एयरपोर्ट पे इंतजार कर रहे होंगे। खुश रहो। नियति, ध्यान रखो अपना। बाय। ध्यान रखना सायरा। बाय अभिमन्यु जीजू, अपना ध्यान रखना। चलो, दुर्गा मैया की कृपा से सब ठीक हो गया। दिनकर, हाँ माँ। और तनिक पंडित जी को फोन लगाना, आज शाम को ग्रह शांति पूजा रखेंगे और ये पूजा हमारी नई की बहू करेगी। ओ दादी, मैं बदमाश, तेरे बिना कुछ होता है क्या इस घर में? कोई भी ऐरी गैरी अनजान लड़की मेरा ख्याल रखे अच्छा नहीं लगता ना माँ। माँ देखो इसे, इसने फिर से कहानियां बनाना शुरू कर दिया है। जब तक ये लड़की यहां पर है ना, मेरी तबीयत ठीक होने से रही। आप इसको अभी के अभी घर से निकाल दो, हम किसी और नर्स को बुला लेंगे। अभिमन्यु, तुम यहां से बाहर निकलो। जैसा कि मैंने कहा, या तो तुम भागोगे नहीं या मुझे साथ लेकर भागोगे। मैं यहां से हिलूंगी नहीं। अभिमन्यु, अब ना तुम्हारा ये भागना, बात ना मानना, उछल कूद करना सब बंद। मैंने डानन से बात कर ली है, कल से तुम्हारे ट्रीटमेंट का नेक्स्ट स्टेज शुरू हो जाएगा। ये तुम्हारे टेंट्रम्स ना, रेस्ट नहीं करूंगा, दवा नहीं लूंगा, ये सब अब नहीं चलेगा। अब वेकेशन खत्म, समझे? ये क्या कर रहे हो अभिमन्यु? माफी मांगने की कोशिश। मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया निकिता, पर मेरी बदकिस्मती देखो, अपनी किस्मत को पाकर भी मैंने उसे नकार दिया। तुम्हें बहुत तड़पाया नहीं, और एक तुम जो मेरे सामने खड़ी हो, मेरी ढाल बनकर, मेरी पत्नी बनकर, मैं जानता हूं कि मैं माफी के लायक नहीं, और फिर भी तुमसे मैं माफी मांगता हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दे। अभिमन्यु, अभिमन्यु प्लीज, तुमने जो कुछ भी किया, अपनी बीमारी के चलते किया, भूल जाओ वो सब, क्योंकि अब मैं भी वो सब याद नहीं करना चाहती। अभिमन्यु, तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। तुम्हारी हर बात सर आंखों पर। नहीं, ऐसे नहीं, पहले बात को अच्छे से सुनो, समझो, फिर प्रॉमिस करना, क्योंकि तुम्हारा भरोसा नहीं है, तुम लूपहोल बनाकर ऐसे मुकर जाते हो बात से। पत्नी बनते समय टॉन्ट मारने की ट्रेनिंग भी मिलती है क्या? हक जताने के लिए पत्नी को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, उसका प्यार ही काफी होता है। तो जताओ ना हक।
जब हमारा गौना हुआ था तो तुम होश में नहीं थे। हमारे सारे कस्में वादे अधूरे रह गए थे, लेकिन आज हम पहली बार पति पत्नी की तरह एक दूसरे के सामने खड़े हैं। आज तुमसे तुम्हारी पत्नी एक वादा मांगना चाहती है। बोलो ना, क्या वादा? तुम्हें मुझ पर यकीन है? खुद से ज्यादा। तुम मानते हो ना, मैं जो कुछ भी करूंगी तुम्हारे अच्छे के लिए करूंगी, बिना कोई शक। तो बस मुझसे वादा करो कि तुम मेरी हर बात मानोगे, बिना किसी सवाल और शक के। डर गए? डरूंगा क्यों, तुम और माँ ही तो हैं, जहां से मेरी दुनिया शुरू होती है और उन्हीं पर खत्म। तुम दोनों मेरा पूरा कभी नहीं चाहोगे, मैं जानता हूं। ये वादा तो बहुत छोटी सी बातें नहीं थी, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, ये वादा है मेरा।
अब ये कौन है हमारी लव स्टोरी के बीच में? कबाब में हड्डी बनने कौन है प्यार का दुश्मन? देखे जरा, माँ आप हो? I'm so sorry माँ, मेरे मुंह से निकल गया, I'm sorry माँ। मुंह से क्या निकल गया? मैंने ठीक से सुना नहीं, एक बार फिर से कहना। माँ अब आप मेरी फिरकी मत लो प्लीज, मैंने बोला ना I'm sorry। देखा नहीं थी इसकी याददाश्त क्या आ गई, माँ को तो भूल ही गया। माँ का दिल दुखे तो दुख जाए, है ना? कुछ भी मतलब, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, आज मैं आपसे भी एक वादा कर देता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपका दिल दुखे या आपको कोई तकलीफ पहुंचे। ओह, वैसे आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, अगर आपको कुछ और वादा लेना तो ले सकती हो, सब मिल जाएगा आज। तू हमेशा ऐसा ही मुस्कुराता रहे, सेहतमंद रहे और मेरी भी उम्र तुझे लग जाए, इतना ही चाहती हूँ। माँ दुर्गा की कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है, इस घर की खुशियां वापस लौट के आई है। लेकिन नियति, अब ये मेरा बंदर बेटा ना तेरी जिम्मेदारी है, जैसा भी हो लेकिन इसे ठीक कर दे। हाँ माँ, इसे ठीक किए बिना ना तो मैं चैन से बैठूंगी और ना ही इसे बैठने दूंगी। एक सेकंड, मतलब ये क्या अभियान चला है आप दोनों ने मेरे खिलाफ? मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, मुझे पहले ही सब कुछ क्लियर चाहिए, मेरे को ये सब चाहिए नहीं। कुछ भी। बुआ जी, आप सबको दादी ने नीचे बुलाया है पूजा करने के लिए। हाँ बेटा, नियति चलो, पूजा तुम्हें ही करनी है। हाँ हाँ, चलो चलो, आज तो मेरा फेवरेट हलवा बना होगा, आई मीन प्रसाद बना होगा, चलो। एक्सक्यूज मी मिस्टर अभिमन्यु पांडे। हाँ? अभी वादा किया और अभी भूल गए? वादा? व्हाट वादा? कैसा वादा मतलब? मेरी सारी बातें मानने का वादा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है दवा टाइम पर खाना। जाओ जल्दी से दवाई खाओ। ठीक है खा लेता हूँ, हिटलर की बहन। अब पर आप लोग जल्दी से नीचे चले जाओ, वरना दादी बहुत डांटेंगी। तुम चलो, मैं आती हूँ। जी तो अभिमन्यु पांडे, आगे का क्या सोचा है? आगे का बस अभी दवाई खाऊंगा, उसके बाद मैं मेरा फेवरेट हलवा खाऊंगा, आई मीन प्रसाद खाऊंगा, और उसके बाद तो ऑल सेट। क्या करूं मैं इस लड़के का? क्या करूं, बस वही जो करती आई हूं हमेशा, प्यार, दुलार, मेरा ख्याल, और क्या? बुद्धू कहीं का। नियति के बारे में पूछूं, उसका क्या सोचा है? नियति के बारे में? अरे जब से वो इस घर में आई है बेचारी प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स सह रही है, अब तेरा काम बनता है कि उसकी जिंदगी में खुशियां ले आए। अरे मोरी मैया, आपने देखा नहीं मेरी याददाश्त वापस आने के बाद वो कितनी खुश हो गई है, इवन मैंने तो उससे वादा भी कर लिया है, डबल खुशी मिल गई उसे। और आपको पता है ना कि मेरे साथ में कोई रहता है तो दुखी हो सकता है क्या? अरे सिर्फ अपने बारे में नहीं, नियति के बारे में सोच। जैसे तू अपने खास तरीके से मुझे स्पेशल सरप्राइजेस देता है ना, वैसे उसके लिए भी कुछ खास कर। ये तो बहुत ट्रिकी हो गया। अब एक बात बताओ, आप मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए? मैं क्या बताऊं? तूने मुझसे पूछकर उससे आई लव यू कहा था हॉस्पिटल में? नहीं ना। I love you. मुझसे पूछकर रात को बारिश में खड़े रहकर माउथ ऑर्गन बजाया था? मुझसे पूछा था? नहीं ना। तो अब मुझसे क्या पूछ रहा है तू? देख मुन्ना, गौने के पास से जब से वो इस घर में आई है ना, नर्स बनकर रह गई है। अब तू पति का फर्ज निभा, उसे पत्नी होने का एहसास दिला, उसे पति का प्यार दे, समझा? वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, आप ना ये सास लोगों का नाम खराब कर रही हो। आई मीन जितनी भी सासें होती है ना, वो अपने बेटे और बहू के बीच में आग लगाती है, उसके बाद में उसमें लड़ाई करवा देती है। पर आप हो मोरी मैया, आप मुझे टिप्स दे रही हो अपनी पत्नी को खुश करने के। यू आर द बेस्ट मॉम। अब आप देखना कि आपका ये बेटा बेस्ट पति बनकर कैसे दिखाता है। अपनी दवा खा और जल्दी से नीचे आ जा।
दूसरा सर। जो सर के दर्द हो रहा है